नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत और इसमें नागमती वियोग खंड के पदों को हम देख रहे हैं। नागमती के पति राजा रतन सेन सिंहल द्वीप चले जाते हैं पद्मावती से मिलने के लिए या उसको लेने के लिए, तो नागमती वियोग से व्याकुल हो उठती हैं क्योंकि उनके जो भाव हैं वो 12 मासा है, यानी प्रत्येक माह में उनका वियोग अवस्था किस प्रकार से है या उनकी पीड़ा कैसी है उसको उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा, चोगुन सिउ जाई किमि सहा। तो यहाँ पर कौन सा महीना आ गया है? फागुन का महीना आ गया है। और फागुन के महीने के बारे में नागमती क्या कहती है? अपने पति को याद करती है और वो कहती हैं कि फागुन के महीने में पवन झकोरा बहा, शीतल वायु के झोंके, तेज झोंके बहने लगे हैं। चोगुन सिउ जाई किमि सहा, कि इससे क्या हो गई है? जो शीत ऋतु है, सिउ यानी शीत, कैसी हो गई है? चौगुनी, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको कैसे वो सहन कर सकती है? तन जस पियर पात भा भोरा, वो कहती है कि मेरा जो शरीर है वो कैसा हो गया? तन यानी शरीर ऐसा हो गया जैसे पियर, पियर यानी पीले रंग का पत्ता, क्योंकि जब फागुन का महीना आता है तो ऋतु परिवर्तन होती है और उसमें पत्ते सूखकर पीले होने लगते हैं। बिल्कुल उसी के प्रकार जो नागमती है उसका शरीर भी सूखे पत्ते के समान हो गया है। विरह न रहे पवन होई झोरा, और वो कहती है कि विरह के कारण जो दुबला शरीर हो गया है या पत्ते के समान हो गया है ये भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? विरह न रहे, कि विरह में व्याकुल जो मेरा पीले पत्ते के समान शरीर हो गया है ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि पवन होई झोरा, जो पवन का झोंका है वो उसे उड़ा देगा। अर्थात पवन उसे उड़ाकर, क्योंकि सूखा पत्ता बहुत जल्दी हवा के साथ आगे चला जाता है, उड़ जाता है। तो वो कहती है कि ऐसे लगता है कि मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तरिवर झरे झरे वन ढांका, भई फूल कर साखा, कि तरिवर जो पेड़ पर लगे हुए पत्ते हैं वो झरझर कर सारा वन ढक गया है। वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं और चारों ओर पत्तों से जो जंगल है वो भर गया है। भई फूल कर शाखा, और जो पेड़ों की शाखाएं हैं वो भी फूलों और फलों से लद गई है। भई फूल फर, फूल और फलों से शाखा भर गई है। करीन्ह वनाफति कीन्ह उल्लासु, वनाफति यानी वनस्पति करने लगी है क्या? उल्लास, वनस्पति उल्लास करने लगी है। उल्लास से वृक्ष, वनस्पति कौन सी? जो नई नए पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं? उल्लास से भर गए हैं। उनको देखकर लगता है कि उनमें नई खुशियां व्याप्त हो गई हैं। मो कहाँ भा जग दून उदासु, लेकिन वो ये कहती हैं कि मेरे कहाँ भाग हैं ऐसे, कैसे? क्योंकि उसके प्रिय उसके साथ नहीं है। इसीलिए ये जो जग है, ये संसार है, क्या हो गया? दून उदासु, दुगना उदासीन हो गया है, या दुगना उदासीनता से भरा हो गया है, क्योंकि सारी प्रकृति, सारी वनस्पति बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है और उस प्रसन्नता का विपरीत प्रभाव नागमती के हृदय पर पड़ रहा है। वो और ज़्यादा उदासीन हो गई है। फागु करही सब चांचर जोरी, फागु यानी फागुन के महीने में करते हैं सब चांचर जोरी। जोरी से तात्पर्य क्या है? जोड़ी। चांचर एक लोकगीत है कि फागुन के महीने में सब अपनी अपनी जोड़ियां बनाकर लोकगीत का गायन करते हैं। मोही जिए लेकिन मेरे हृदय में लाई दीन्ही, और ये जो माहौल होता है या जो ये मौसम परिवर्तन का समय है, ये मेरे मन में क्या उत्पन्न करता है? जैसी होरी, जैसे होली किसी ने जला दी हो। जो पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस ने आवा। तो मेरे, वो ये मानती हैं कि ये दे मेरे प्रियतम को मेरा इस प्रकार, पिए ही जरत मेरे प्रियतम को मेरा इस प्रकार से जलना अच्छा लगता है। जलकर मरना भावा यानी भाता है, अच्छा लगता है। तो जरत मरत कि जलकर मरने में मोही रोस न आवा, मुझे किसी प्रकार का रोस क्रोध दुख नहीं आएगा कि मैं अपने प्रिय के लिए इस प्रकार से जलकर मरने के लिए भी तैयार हूँ अगर उन्हें मेरी ये स्थिति अच्छी लग रही है। राती दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत भार हों तोरे, कि रात दिवस मेरे मन में इहे यही
आता है, क्या आता है, रात और दिवस मेरे मन में, मोरे यानी मेरे मन में इहे यही बात आती है कि लागों कंत भार हूँ तोरे, कि मैं हे कंत हे नाथ मैं तुम्हारे तोरे यानी तुम्हारे हों हो जाऊँ, कि मैं नष्ट होकर भी तुम्हारे तुम्हें प्राप्त कर लूँ या तुम्हारे तुम्हें अपने हृदय से लगा लूँ। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि नागमती जो है वो नष्ट होकर अपने आप को समाप्त करके भी अपने प्रिय को प्राप्त करना चाहती हैं। दोहे में वो क्या कहती हैं, यह तन जारो छार के कहूँ कि पवन उड़ाए, कि मैं इस शरीर को, तन यानी शरीर को जला दूंगी, जला कर क्या कर दूंगी, राख कर दूंगी, और पवन कहूँ कि कहूँगी किससे, पवन से, वायु से कहूँगी कि मुझे उड़ा कर ले जाए, मकुते ही मार्ग होई परो कंत धरे जहाँ पाऊँ, और उड़ा कर क्या करे कि मुझे उस मार्ग पर, किस मार्ग पर, उस मार्ग पर डाल दे जहाँ पर पड़े कंत के, अपने नाथ के या अपने प्रिय के पाँव, कि जहाँ पर मेरे प्रियतम अपने चरण रखे उस मार्ग पर मेरे शरीर की जो राख है उस वहाँ पर मकुते ही मार्ग होई, कि मुझे ले जाए ताकि मैं, मेरी जो राख है उस मार्ग पर पड़ जाए जहाँ पर मेरे प्रियतम अपने चरण रखेंगे। तो यहाँ पर नागमती अपनी विरह वेदना का बहुत ही उद्दीप्त तरीके से वर्णन कर रही हैं। उनकी विरह वेदना बहुत ज़्यादा उनको व्याकुल कर रही है, उनका जो शरीर है वो उनका साथ नहीं दे रहा, वो अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहती है। इसके साथ साथ फागुन का महीना है और प्रकृति उसके भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रही है। कहीं पर आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन है तो कहीं पर उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो ये जो पंक्तियाँ बनती है, फागुन पवन झकोरा वहा चोगुन सियु जाई कि मिसहा, तो यहाँ पर क्या है, उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ चार गुना शीत बढ़ जाती है, ये मुझसे कैसे सही जाए। यहाँ पर अगर हम उसके भावों को देखेंगे तो वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर चित्रण यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ साथ तन जैसे पियर पीला पत्ता हो गया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ यह तन जारो छार के कहूँ कि पवन उड़ाए, यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा है। इसके साथ साथ मोही जिये ताई तीन ही जसी होरी, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। संपूर्ण पद में वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फागुन के महीने में जो चांचर लोकगीत गाया जाता है उससे अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक हमें मिलती है। ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग है। पहली जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं ये चौपाई छंद है और अंतिम दो पंक्तियाँ कौन सा छंद है, दोहा छंद है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।